हेलो स्टूडेंट्स, आई मिस किरण गोस्वामी, एमएससी इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग. वेलकम टू किरण गोस्वामी क्लासेस. सो टॉपिक फॉर टुडे इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ओके, आज हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, एक शॉर्ट क्लास है ये इम्यूनोग्लोबुलिन का, मतलब कि डिटेल में तो हम लोग पढ़े ही हैं. एक शॉर्ट क्लास में मैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स को क्या कर रही हूँ, समराइज कर रही हूँ. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन इज, फर्स्ट वन इज़ द जी. ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, दैट इज शॉर्ट नेम इज IgG. ओके, सो दिस वन इज़ दी मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन. मीन्स IgG जो रहता है हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है. ओके, सो मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इज IgG. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ दी मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन, एज आई सेड, देन ट्रांसफर थ्रू प्लेसेंटा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द IgG इम्यूनोग्लोबुलिन इज ट्रांसफर थ्रू दी प्लेसेंटा, इट क्रॉस दी placenta and reach to the baby. Okay, the next one is can cause passive natural immunity. IgG cause passive natural immunity. Okay, we know the classification of immunity na, that is active and passive immunity. In that it can cause passive natural immunity. The next one is function of IgG protect the body fluids. Means hamare body mein jo body fluids rehte hain, like blood hai, saliva hai, tears hai, और लिम्फेटिक जो भी फ्लूड्स हैं उन सबको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है. ओके, सो दिस इज़ अबाउट IgG, इट इज़ मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन. ठीक है, डिफरेंस याद रखना है, अबंडेंट और लार्जेस्ट दोनों में क्या है डिफरेंस है. अबंडेंट मतलब अमाउंट में ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, लार्जेस्ट दैट मीन्स साइज में क्या रहेगा, बड़ा रहेगा. ठीक है, सो इम्यूनोग्लोबुलिन जी इज़ मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन. Then next one is major immunoglobulin and it can cross the placenta barrier and reach to the baby. Okay, the next one is cause passive natural immunity and the next it protects our body fluids. So this is about immunoglobulin G. Next we will see about the immunoglobulin A. Okay, present in breast milk, saliva and tears. Means IgG कहाँ पर present रहता है, body fluids में mainly कौन कौन से body fluids में present रहता है. First one is the breast milk, colostrum वगैरह में present रहता है, then saliva में भी present रहता है and tears में present रहता है. Okay, and इट फंक्शन इज प्रोटेक्ट बॉडी सरफेस, ये हमारे बॉडी सरफेस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है. ओके, जैसे कि IgG हमारे बॉडी फ्लूड को प्रोटेक्ट कर रहा था, वैसे ही IgA क्या करता है, बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ दी IgD प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ दी बी लिम्फोसाइट. IgD कहाँ प्रेजेंट रहता है, WBCs में प्रेजेंट रहता है ना. बी लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ WBC, तो यहाँ ये प्रेजेंट रहता है. एंड वी नो द फंक्शन ऑफ WBCs. ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी एंटीजेंस अगर एंटर करते हैं तो ये अपने एंटीबॉडीज़ को क्या करता है, रिलीज करता है और हमको क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. ओके ओके, सो दिस इज अबाउट दी IgD प्रेजेंट इन द सर्फेस ऑफ दी बी लिम्फोसाइट्स एंड इट प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट द एंटीजन. ओके, द नेक्स्ट वन इज इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इंक्रीज इन एलर्जिक रिएक्शन. इम्यूनोग्लोबुलिन ई क्या करता है, ये एलर्जिक रिएक्शन, जब भी हमारे बॉडी में किसी एंटीजन का एंट्री होता है या तो फिर कोई एलर्जी रिएक्शन होता है बॉडी में, सपोज रैशेस हो जाते हैं, कभी कभी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, कभी कभी वो पार्ट क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, रेडनेस हो जाते हैं एलर्जी की वजह से, तो इस सारे कंडीशन में मीन्स एलर्जिक कंडीशन में क्या करता है हमारा IgG एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन, और वी कैन से दैट एंटीबॉडी ये क्या करता है, रिलीज होता है हमारे बॉडी में. ओके, टू फाइट अगेंस्ट दी एंटीजन. द नेक्स्ट वन इज दी एंड लास्ट इम्यूनोग्लोबुलिन इज दी IgM, दैट इज मैक्रो और लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन. ठीक है, मीन्स डिफरेंस क्या है IgG और IgM के बीच में, IgG क्या था, मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन, मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन था. ठीक है, IgG, बट IgM इज़ अ लार्जेस्ट और मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन. ठीक है, ये क्या है, साइज में बड़ा रहता है और ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, लार्ज होता है. ओके, सो फंक्शन इज दी, ये भी क्या करता है, बॉडी फ्लूड्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और बॉडी फ्लूड में मेनली कौन से बॉडी फ्लूड, ब्लड. ठीक है, ये ब्लड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. सो वी विल समराइज वंस अगेन, फर्स्ट वन इज दी IgG, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन, मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन, इट कैन ट्रांसफर
through the placenta to the baby, okay. The next one is the, it can cause passive natural immunity and the function is the, it protects body fluids, okay. The next one is IgA, it present in the breast milk, saliva and the tears and it protects our body surface. Next one is the IgD. IgD क्या करता है? बी लिम्फोसाइट्स के सरफेस एरिया में प्रेजेंट रहता है. बी लिम्फोसाइट्स इज अ टाइप ऑफ WBC और ये क्या करते हैं, हमें हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, मींस एंटीजन से हमको क्या करता है, प्रिवेंट करके रखता है थ्रू रिलीज ऑफ द एंटीबॉडीज. ओके, द नेक्स्ट वन इज द IgE, इट रिलीज इन द कंडीशन ऑफ एनी एलर्जिक रिएक्शन टू द बॉडी. द नेक्स्ट वन इज IgM, इट इज द लार्जेस्ट और मेजर सॉरी मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन एंड इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्लूइड. सो this is about immunoglobulin.